फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टफ इडली। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। ये एक ऐसा स्नैक है जिसको हम लोग किसी भी टाइम पे खा सकते हैं और ये बहुत लाइट वेटेड है। एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। स्टफ इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल, और इस बाउल के अंदर में मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास एक कटोरी सूजी है, ये सूजी मैंने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी दही। दही हम ज्यादा नहीं डालेंगे, दही हम देख के डालेंगे। एक कटोरी सूजी है तो मैं 2 से 2.5 छोटी वाली जो करछी होती है वो दही की डाल रही हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च पाउडर का, आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और नमक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक हम हल्का सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमने स्टफ इडली बनानी है, तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करें। साथ ही में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरे का, जो कि भुना हुआ है लेकिन मैंने इसको पीसा नहीं है। इसी के साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास कुछ शिमला मिर्च और बीन्स कटी हुई हैं, थोड़ी सी प्याज और थोड़े से टमाटर, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम लोग इसको बिना पानी डाले मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियां बननी है वो नहीं बनेंगी। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सूजी थी, आधी कटोरी दही थी, और उसके अंदर ये एक गिलास सबसे छोटे वाला जो है वो मैंने पानी का ऐड किया है। इसको अच्छे से घोल लेंगे और अब हम इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितनी जो भी हमने सूजी के अंदर पानी और दही मिलाया है वो सूजी फूल। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपना बैटर देख लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन ये मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर हल्का सा पानी और ऐड करने लगी हूँ। आप उसी टाइम सारा पानी मत डालिएगा, क्योंकि सूजी अगर बारीक होती है तो वो ज्यादा पतली हो जाएगी, और अगर मोटी है तो वो थोड़ी सी ठीक रहेगी। तो इसलिए जब सूजी फूल जाए पानी हल्का सा उसके बाद में ही ऐड कीजिएगा। ये इतना डो हमारा होना चाहिए। अब ना हम इसके अंदर इनो ऐड करेंगे। ये मेरे पास रेगुलर वाला इनो है, एक पैकेट। तो एक कटोरी सूजी थी तो उसके अंदर मैं ये एक पैकेट इनो ऐड कर रही हूं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनो डालने के बाद में हमारी सूजी जो है वो ऊपर तक आ गई है, फूल गई है और अच्छे तरीके से। अब हम इसे ज्यादा हिलाएंगे नहीं और हम अपनी इडली बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपम पैन लिया है, जो इडली है वो मैं अपम पैन में बना रही हूँ। आप लोग चाहो तो उसको इडली स्टैंड में भी बना सकते हो। इडली स्टैंड में अगर आप लोग बनाओगे तो वो स्टीम से बनेगी, इसमें स्टीम की इतनी जरूरत नहीं होती है। ये मेरे पास रिफाइंड ऑयल है, ये जो मेरे पास रिफाइंड ऑयल है वो मैं पैन के हर बाउल में थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद जितना डाल रही हूं। अपनी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, मिक्सचर को एक बार मैं हिला लूंगी और इसके अंदर स्टफिंग डाल दूंगी।
फ्लेम मेरी लो है, अब हम इसको ढक देते हैं। 2 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद में हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद हम लोग फिर से 2 मिनट के लिए इसको सिम आंच पे बनाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अपना ढक्कन हटा दिया है, अब हम इसको 1 by 1 करके पलटेंगे। कर दी है, इडली हमारी रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है, इसको हम लोग इडली के अंदर इस तरीके से डाल के चेक कर सकते हैं। इडली हमारी अच्छे से पक गई है क्योंकि इसके ऊपर इडली का बैटर नहीं लग रहा है। इसको निकाल लेते हैं। अब मैं फटाफट इसी तरीके से सारी इडली को रेडी कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तैयार है मेरी स्टफ इडली खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन आएगा, प्लीज उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी की सारी नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।